हेलो जी, वेलकम टू क्री स्टाइल। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हो आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आपको हमारा ब्लॉग कैसे लगे कमेंट करके बताना। बहुत सुहाना। और यहाँ पर हो रही है बारिश। ये देखो भाई, कितनी तेज़ जूम करके दिखा रही हूँ मैं। बहुत ठंडा मौसम हो गया, बहुत अच्छा हो रहा है और एकदम आ गई बारिश। सुबह से मौसम बना हुआ था वैसे, और तेज़ी है, बारिश कम नहीं है। काम वालों को तो जाना होता, अभी अपने जाते हैं काम पे। ये देखो तेज़ी होती जा रही है, कितनी तेज़ बारिश हो रही है। मैं कर रही थी अपना काम, एकदम आ गई बारिश। ये देखो कितनी तेज बारिश हो रही है, और पहले से भी सुबह से बना हुआ था मौसम। टाइम हो रहा है अभी 9 बजे हैं, 9 बजे का टाइम है। और चलो अच्छा है भाई, फसल तो निकल गई होगी आज सबकी, ऐसी बात नहीं है। गेहूँ वहाँ तो निकल गए होंगे, बहुत तेज हो रही है बारिश। बाहर का मौसम दिखा रही है। अब मैं लगा ली हूँ अपना पोचा। कुछ काम कर लिया है, कुछ रह रहा है, तो भी मैं जा रही हूँ पोचा लगाने। झाड़ू वाड़ू लग गए, मैं रोड सब चले गए, मैं अकेली हूँ घर में। मानसी भी चले गए, उसके पापा भी चले गए, तो ले हम उठा लेते अपना पोचा। बारिश हो रही थी बाहर, बहुत तेज़ बारिश हो रही है बाहर, आपको दिखाया है। तो बारिश तो चलती रहेगी, अंदर का साफ सफाई कर लेते हैं। हमने उठा लिया अपना पोचा, तो चलते हैं बाथरूम में, पानी डालेंगे। पीपी नहीं रुकी है, मैं आ गई हूँ ऊपर, क्योंकि ये पौधे ला के रखे हैं मैंने। ये नीचे रखे थे, ये दो नाग पंख वाले, मतलब नाग फन वाले पौधे हैं, ये नीचे रख रखे थे। तो अभी थोड़ी इनकी बारिश, मैंने इनको भी ऊपर रख दिया ला के। और ये देखो कितना पानी भरा हुआ, बहुत तेज़ बारिश है। सारे पौधे भी अच्छे से हो रहे हैं, हरे भरे। ये देखो मौसम बहुत सुहाना हो रहा है, लगता है खूब बारिश होने वाली है। छत पर आ गई हूँ, पानी गिर जाएगा बाद में जाऊँगी तो फोन को ज़्यादा मैं दिखा नहीं सकती आपको। छत भर गई पानी की, क्योंकि तेज़ बारिश है। और अब मैं जा रही हूँ नीचे, क्योंकि चाय पोचा मेरा लग गया है, खूब बारिश के साथ चाय। यहाँ पे मैंने चाय रख दी है, ये देखो। और ये मेरा दूध गर्म हो गया, अभी मैंने दूध भी ले लिया था। दूध वाला आ जाएगा, दूध भी गर्म करके रख दिया, ठंडा हो जाएगा तो फ्रिज में रख देंगे। और मेरा पानी गर्म हो चुका है, तो मैं यहाँ पर डाल देती हूँ चाय पत्ती, और थोड़ी डालूँगी अदरक, और ये मैं डाल लें थोड़ा सा गुड़, क्योंकि मुझे गुड़ वाली चाय बहुत पसंद है। मैं पीती हूँ गुड़ की चाय, अकेली चीनी की चाय नहीं पीती। हम डाल देते हैं थोड़ी अदरक, और मेरा थोड़ा पानी उबल जाएगा। ये देखो भाई, लाइट अंधेरा हो गया वैसे रसोई में, लाइट की रोशनी कम पड़ रही है, इधर छोटी लाइट है। और भी बारिश अब थोड़ी कम हो चुकी है, बहुत तेज़ बारिश हुई है, तो इसलिए भाई थोड़ी एक चम्मच हम डाल देते हैं इसमें चीनी। ज़्यादा अकेली चीनी की चाय भी नुकसान देती है, तो भी मैं हमेशा अपनी चाय बनाती हूँ तो उसमें डालती हूँ गुड़। अभी एक बार गुड़ वाली चाय बना के देखना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पे डाल दिया दूध, और एक उबाल ले लेते हैं अच्छे से उबाल के, और ले लेंगे छान। और
बस एक बार चाय मैं पी चुकी हूँ, ये मेरी दोबारा वाली चाय है क्योंकि आज मन मेरा एकादशी का व्रत, तो इसलिए मैं खाना मुझे खाना नहीं था तो सोचा थोड़ा एक बार चाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर कोई फ्रूट व्रूट खा लेंगे। तो भाई मैंने छान लिया, मेरी चाय बन के होगी तैयार, चलते हैं कमरे के अंदर बैठ के पियेंगे, आराम से रेस्ट करेंगे, चाय पियेंगे और चाय ठंडे ठंडे बारिश के साथ चाय की चुस्की लेना, आप भी लेना फ्रेंड। तो भाई हमने कर लिया रेस्ट, चाय पी लिए, थोड़ी देर आराम कर लिया, अब चलते हैं अपनी सिलाई मशीन पर। मुझे सिलना एक सूट है क्योंकि कई दिन से सोच रही थी अपना एक सूट कटिंग कर लेती हूँ, और भी मैं आगे अपनी पहले कटिंग करूँगी उसके बाद सिलूँगी, अभी आज मुझे थोड़ा टाइम है काम में। तो भाई ये हमारी है सिलाई मशीन, और अपना सूट कटिंग कर लेती हूँ मैं, उसके बाद आपको दिखाऊँगी आगे। ये मेरा सूट है कॉटन का, और इसमें से मैं चलो जी कटिंग कर लेते हैं।